हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास फर्स्ट मैथ्स के चैप्टर 10 पैटर्न्स को समझेंगे। पैटर्न्स में बच्चों एक्चुअली पैटर्न में हमें एक्चुअली ये देखना होता है उसका सीक्वेंस कि वो रिपीटिंग है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, रिवर्स है, क्या है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखिए एक्सटेंड द सीक्वेंस। अब इसमें टी है, फिर ये रिवर्स हो गया, फिर ये टी है, फिर ये रिवर्स हो गया। यानी कि इसमें क्या सीक्वेंस चल रहा है, रिवर्स वाला सीक्वेंस चल रहा है। तो अब ये रिवर्स के बाद हमारा फिर से टी हो जाएगा और इसके बाद यहाँ पे ये फिर से रिवर्स हो जाएगा। आप आगे और भी कंटिन्यू कर सकते हो। फिर यहाँ पे देखिए नेक्स्ट वाले में टू स्टैंडिंग लाइंस हैं, सर्कल, फिर टू स्टैंडिंग लाइंस, सर्कल, टू स्टैंडिंग लाइंस। तो फिर क्या होगा, स्टैंडिंग लाइंस के बाद क्या है, सर्कल है, तो यू हैव टू ड्रॉ सर्कल। और सर्कल के बाद क्या है, फिर टू स्टैंडिंग लाइंस हैं। आप इसके आगे और भी पैटर्न अपने आप कंटिन्यू कर सकते हो। एंड द नेक्स्ट वन इज एरो, देन रिवर्स, देन एरो, फिर रिवर्स है, फिर यहाँ पे क्या बनेगा, ये एरो बन जाएगा, फिर यहाँ पे ये रिवर्स है। ओके इसी तरीके से नेक्स्ट में देखिए वी रिवर्स, वी रिवर्स, यानी कि अब यहाँ पे वी बनेगा और यहाँ पे ये रिवर्स बनेगा। एंड द नेक्स्ट वन इज टू सर्कल्स, फिर ये रेक्टेंगल, टू सर्कल्स, रेक्टेंगल, यानी कि रेक्टेंगल के बाद आपको अब क्या बनाना है, टू सर्कल्स बनाने हैं और सर्कल्स के बाद रेक्टेंगल। ठीक है ना, तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट वाले में देखिए मैंगो एप्पल, मैंगो एप्पल, अब एप्पल के बाद क्या आएगा, देखिए एप्पल के बाद क्या है, मैंगो, तो आपको भी यहाँ पे मैंगो बनाना है और यहाँ पे एप्पल। गॉट इट। नेक्स्ट वन इज डब्ल्यू, फिर ये रिवर्स हो गया, फिर डब्ल्यू, ये रिवर्स हो गया, यानी कि यहाँ पे फिर से आएगा आपका डब्ल्यू और ये यहाँ पे रिवर्स हो गया। नेक्स्ट है व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द सीक्वेंस। अब इसके सीक्वेंस में क्या आएगा, सर्कल देन सन, सर्कल देन सन। अब सन के बाद क्या बनाना है आपको, सर्कल, और सर्कल के बाद फिर से आपको सन बनाना है, तो बनाएंगे आप उसी तरीके से जैसे कि आपका पिक्चर में है। ठीक है, और सन के बाद फिर से आपका सर्कल है। इसी तरीके से नेक्स्ट आपका है ये काइंड ऑफ बोल है, ठीक है, फिर ये रिवर्स हो गया, फिर ये बोल है, फिर ये रिवर्स हो गया, इसके बाद फिर से आपको यहाँ पे बोल बनाना है, यहाँ पे फिर से ये रिवर्स हो जाएगा और फिर से ये। ठीक है, इसी तरीके से ये काइंड ऑफ आपकी ड्रॉप है, ये चेरीज आप कह सकते हो उसको, चेरीज की अभी कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है, फिर से ड्रॉप है, चेरी है, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, चेरी के बाद ड्रॉप, ड्रॉप आएगा, फिर ये आपका बना, फिर से ये, तो वो हमने रिपीट किया, ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, इसके बाद ये, इसके बाद ये रिपीट हो रहा है। अब नेक्स्ट है आपका देखिए फ्लावर है, लीफ है, फ्लावर है, लीफ है, तो ये आप खुद भी ड्रॉ कर सकते हो। लीफ के बाद क्या आएगा, यहाँ पे फ्लावर बनेगा, फिर यहाँ पे लीफ बनेगी, फिर से यहाँ फ्लावर बनेगा। ठीक है, इसी तरीके से आप ये भी कर सकते हो, देखिए कुछ फेसेस बने हुए हैं, इसमें ये क्या कर रहा है, शाउट कर रहा है, इसमें ये स्माइल कर रहा है, फिर से इसमें शाउट कर रहा है, ये स्माइल कर रहा है, तो नेक्स्ट आप क्या बनाओगे, ये जो फेस बनेगा उसमें आप क्या दिखाओगे, शाउट, दूसरा जो फेस बनेगा उसमें क्या दिखाओगे, स्माइली, फिर से ये शाउट। ओके ऐसी नेक्स्ट फिगर है आपकी। अब इसमें देखिए सर्कल है, सर्कल के अंदर स्क्वायर है, फिर ये स्क्वायर बाहर हो गया, ये सर्कल अंदर हो गया, फिर इसके बाद सर्कल, फिर स्क्वायर अंदर, इसके स्क्वायर है, इसके अंदर सर्कल। अब स्क्वायर के बाद क्या आ गया, यहाँ पे सर्कल बनेगा और सर्कल के अंदर क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए, इसके बाद यहाँ पे स्क्वायर होगा और स्क्वायर के अंदर क्या होगा, सर्कल, इसके बाद फिर से ये सर्कल होगा, सर्कल के अंदर स्क्वायर होगा। ये वाला आप खुद से करेंगे, यही रिपीट ही करना है आपको, ये फिगर है, फिर ये रिपीट करना है, तो खुद से करेंगे आप। ओके इसके बाद है आपका पैटर्न्स इन शेप, इसमें भी देखिए फिल इन द बॉक्सेस इन सीक्वेंस, इसमें सीक्वेंस आपको फिल करना है, इसमें मैंने करके दिखाया है। देखिए इसमें टू लीव्स हैं, फिर फ्लावर है, टू लीव्स है, फिर आपको यहाँ पे क्या बनाना है, फ्लावर बनाना है, इसको इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, फिर ये टू लीव्स हैं, फिर फ्लावर है, फिर टू लीव्स हैं, फिर फ्लावर है। अब यहाँ पे देखिए सर्कल, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, सर्कल, ट्राइंगल, ट्राइंगल के बाद आपको क्या ड्रॉ करना है, रेक्टेंगल, तो आप यहाँ पे रेक्टेंगल बनाएंगे, फिर सर्कल, अब सर्कल के बाद क्या है, ट्राइंगल, तो आपको यहाँ पे
ट्राइंगल ड्रॉ करना है। नेक्स्ट है वन बॉल, टू बॉल, थ्री बॉल, क्या हो रहा है बच्चों, इंक्रीज हो रहा है। वन टू थ्री, थ्री के बाद आपको कितने बनाने हैं, फोर, वन टू थ्री फोर, और इसके अंदर जो आपको लिखना है वन लिखना है। देन फाइव है ये, फिर आपका फाइव के बाद क्या होगा, सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स, इन सब में आपको वन लिखना है। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर था। नेक्स्ट वाले में हम देखेंगे, देखिए इसमें एक ये आपकी वर्टिकल कैंडल है, ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इंक्रीज हो रहा है, पहले वन कैंडल थी जो स्टैंडिंग थी या वर्टिकल थी, फिर टू हुई, फिर थ्री हुई, यानी कि हमें कितनी ड्रॉ करनी है यहाँ पे, फोर कैंडल ड्रॉ करनी है। तो मैंने ये फोर कैंडल ड्रॉ की हैं, और ऐसे ही आपकी जो हॉरिजॉन्टल है यानी कि ये स्लीपिंग है, वो भी आप इंक्रीज हो रहे हैं, वन टू थ्री फोर, तो यहाँ पे भी फोर होंगी, यहाँ पे भी फोर होंगी, तो ये ड्रॉ करना है आपको। फिर यहाँ फाइव हो गई, वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, ठीक है। नेक्स्ट है, अब इसमें भी देखिए इंक्रीज हो रहा है, पहले यहाँ पे वन लीफ थी, फिर थ्री हुई, फिर फाइव हुई, ठीक है। तो आपको जो अगली बनानी, देखिए इसमें वन थ्री फाइव, इसके बाद टू टू नंबर का आपको डिफरेंस आ रहा है, तो वन थ्री फाइव, ठीक है। तो यहाँ पे टू टू का जो है वो डिफरेंस है, यानी कि पहले वन थी, वन में टू ऐड किया थ्री हो गई, थ्री में टू ऐड किया फाइव हो गई, फाइव में टू ऐड किया सेवन। तो आपको ड्रॉ इसी तरीके से करनी है, वन टू थ्री स्ट्राइक बनानी, वन टू थ्री स्ट्राइक बनानी, सेवन हो गई, और यहाँ पे नाइन है, ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें ये क्लोज फिगर है, इसमें देखिए ये डिक्रीज हो रही है, देखिए वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव साइड्स हैं, इसमें से एक मिसिंग कर दी, कितनी बची, वन टू थ्री फोर, पहले फाइव थी, फिर फोर हुई, फिर कितनी हुई, वन टू थ्री। अब यानी कि यहाँ पे जो आपको ड्रॉ करनी है, टू साइड्स ड्रॉ करनी है, और लास्ट में आपको ऑलरेडी वन दिया है। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम रिमेनिंग पार्ट एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।